इस समाचार के प्रायोजक है स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर, दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार महिलाओं की पहली पसंद। बनगांव के पास शनिवार रात अंधेरे में खड़े डंपर से टकराकर मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र पुसला निवासी किरण मोतीलाल बमनोटे 50 वर्ष देर रात को गांव वापस लौट रहा था, तभी बनगांव के आगे चढ़ाई पर रात के अंधेरे में खड़े डंपर ट्रक से मोटरसाइकिल जा टकराई, जिससे चालक किरण की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर डायल 100 की टीम ने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। एसआई सुभाष तिवारी ने बताया कि मृतक गांव वापस लौट रहा था, जिसकी टक्कर होते ही मौके पर मौत हो गई। डंपर ट्रक को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि अंधेरे में खड़े डंपर के चालक ने न तो इंडिकेटर ऑन करके रखा था, न ही सावधानी बरती थी, जिससे यह दुर्घटना हो गई। शादी की खरीदी करनी है या त्योहारों पर मन पसंद शॉपिंग, याद रखिए बस एक नाम, दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार। सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सरगम टॉकीज के पास, तार बाजार, पांडुर। जनपद पंचायत चुनाव के लिए अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई जमानत राशि को वापस लेने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण जनपद कर्मियों को परेशान होना पड़ रहा है। फोन करके अभ्यर्थियों को राशि ले जाने के लिए आग्रह करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में जनपद सदस्य के 77, सरपंच के 250, पंच के लगभग 1200 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा था। इसी के साथ सदस्य के लिए 2000 रुपये, सरपंच पद के लिए 1000 रुपये और पंच के लिए 200 रुपये राशि जमा की गई थी। अब तक जनपद सदस्य के 61 आवेदनकर्ताओं ने राशि ले गए, जबकि सरपंच पद के 50 और पंच पद के आवेदनकर्ता बिल्कुल भी राशि लेकर जाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पंच पद के लिए आवेदन करने वालों का कहना है कि आवेदन भरने के ही 600 रुपये चले गए, अब 200 रुपये लेकर कौन से अमीर बन जाएंगे। पंचायत से खड़े हुए थे आप, सरपंच पद के लिए कितना पैसा भरना पड़ा था? 10-12 चले गए, 1000 रुपया भरा। बाकी बिजली भी लिए थे, अलग ना टैक्स है वो तो अलग है। अच्छा, 10-12 हज़ार काय में चले गए आपके? ऐसे फार्म फार्म भर रहे थे, टैक्स भरना पड़ता है, मकान भरना पड़ता है। चुनाव की तैयारी में तो नहीं गए? हाँ, चुनाव की तैयारी में गए ना। अब ये पैसे मिले हैं ना वापस? हाँ, वो मिलने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, वो नहीं मिले। स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट, महानगरों के बदलते बाजारों की श्रृंखला अब पांडुर्णा में। बांबल बंधु लाए हैं फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, किराना एंड जनरल, डेली नीड्स, ड्राई फ्रूट्स, किराना, बिस्किट एंड चॉकलेट, क्लीनिंग प्रोडक्ट और बहुत कुछ एक ही छत के नीचे। सभी सामान डेली डिस्काउंट के साथ। अब दुकान दुकान घूमने की झंझट से छुटकारा, बचाओ अपना पैसा और समय, क्योंकि फ्रेश मार्ट आपको एक ही छत के नीचे देगा घर की जरूरत का सारा सामान। तो आज ही खरीदारी करने पधारिए फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट। फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, पता SBI ATM के बाजू में, महेश्वरी कॉम्प्लेक्स, पंचशील चौक, पांडुर्णा। लगभग 3 किलोमीटर लंबी घनपेट सड़क का पुनर्निर्माण किया जाना आवश्यक हो गया है। शहर के आदिवासी अंचल से जोड़ने वाली यह सड़क जगह जगह से जर्जर हो चुकी है। वाहन सिर्फ जमीन पर चल रहे हैं, जबकि सड़क का सीमेंट भाग अब नहीं रहा है। घनपेट वार्ड सहित तिलक वार्ड के पार्षद इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं। बीते 5 सालों में कई बार सड़क निर्माण की मांग की जा चुकी है। घनपेट वार्ड के पार्षद विलास डाबरे ने बताया कि PWD विभाग सहित नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर डिवाइडर और ट्यूबलर पोल लगाकर सड़क निर्माण करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस व्यस्त सड़क के निर्माण के लिए कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा है। इधर तिलक वार्ड के पार्षद जो अब सभापति भी है, नरेश कलंबे का कहना है कि जाम नदी पर बनी बाईपास पुलिया से लेकर नेशनल हाईवे तक सड़क का निर्माण करने की मांग की गई थी। ज्ञात हो कि घनपेट बस स्टैंड से अम्बाड़ा नंदनवाड़ी और लावा घोगरी से होकर छिंदवाड़ा के लिए बस टैक्सियां अम्बाड़ा बस स्टैंड से होकर जाना आना करती है, लेकिन इस मार्ग के जर्जर होने की वजह से आवागमन में गड्ढों और धूल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आसपास रहने वाले लोग भी इस समस्या से परेशान है।
BCN न्यूज पांडुरा को अपने टेलीविजन सेट पर देखने के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल BCN न्यूज पांडुरा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।